यहाँ पर एक गोदाम था जिसका कोई पता नहीं है। मौके पर आए हैं, ऐसे भवनों को चिन्हित किया जा रहा है जो खतरे की जद में आए हैं, और उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि रात में वो अपने घरों में ना रहे। उनके रुकने की व्यवस्था भी प्रशासन द्वारा कराई जा रही है। साथ ही ऐसे जो पड़ वाले लोग हैं जिनका नुकसान हुआ है, इनके खाने पीने की सामग्री भी बह गई है, उनके खाने पीने की व्यवस्था, रात को रुकने की व्यवस्था भी कराई जा रही है। उनके नुकसान की किस प्रकार से भरपाई की जा सकती है या जो उन्होंने किराया दिया है उसमें किस प्रकार से रियायत दी जा सकती है, इस पर भी विचार किया जाएगा। और जितने भी लोग यहाँ प्रभावित हुए हैं, अगर कोई जान माल का नुकसान होगा या कोई इस प्रकार का नुकसान हुआ है, तो उस सब में भी सर्वे कराए जा रहे हैं, उन सभी को भरपाई की जाएगी। पूरा गया भाई पूरा। ये रामबाड़ा है जो यहाँ पर के दोनों पुल बह चुके हैं, और ये रामबाड़ा से कुछ पहले की वीडियो है। यहाँ पर भी बादल फटा है रात को, यहाँ पर जाने के लिए नहीं है, इसलिए पूरी वीडियो नहीं बन पा रही। बिपिन भाई कोई दिक्कत नहीं यार, सुन दो मेरे कमर थोड़ा सीधा करो, कमर दर्द हो रहा। हो गया करते हैं, कमर से ना करते हैं, तेरे रुक जा, अभी करते हैं, चिंता नहीं करना है, सब कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है, ठीक है, सब ठीक है। हाँ सब ठीक हो जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। बिपिन ओ बिपिन सुन दो यार, सुन दो पेट्रोल पता ठीक है तेरा आप पहले भी ये दुर्घटना हुई है सुखी नदी में, उसके बावजूद भी ये लोग नहीं मानते। अब देखो हरिद्वार का नाम बदनाम करा जाता है, तो ये गलत पार्किंग की वजह से, आप देख सकते हो गलत पार्किंग की वजह से ये ट्रक खड़ा था नदी में और ये जा रहा है, देख सकते हो। और
ये गलत पार्किंग के वजह से हो रहा है, गलत पार्किंग का नतीजा है ये। पहले भी चार गाड़ियां बह चुके, आठ नौ गाड़ियां बह चुके हैं, सॉरी पहले भी आठ नौ गाड़ियां बह चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारा एक ट्रक जो कि कावड़ियों का है, एक ट्रक अपने रुकने का भाई जी, गलत बात है, यहाँ के लोगों को बता देना चाहिए, यहाँ के लोगों को बता देना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, गलत पार्किंग की वजह से दुर्घटना हुई है। तो तकरीबन सीढ़ियों से ऊपर आ चुका है यह जल, महिला ज्यादा पानी पिला आयो, बहुत चला रहा यार।